रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी में 31 जुलाई को भारी बारिश के चलते केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग बाधित हो गया था, जिसके कारण केदारपुरी में मंदिर समिति एवं तीर्थ पुरोहितों के लिए लगातार राशन की आपूर्ति की जा रही है। बता दें, हेली सेवाओं एवं वायुसेना की मदद से डिमांड के आधार पर लगातार खाद्य आपूर्ति की गई। जिला आपूर्ति अधिकारी KL कोहली ने बताया कि वहीं बीते रोज चिनुक द्वारा जो भी राशन केदारनाथ धाम में पहुंचाया गया है, वह राशन ITBP के कमांडेंट द्वारा अपनी फोर्स के लिए भेजा गया है। प्रशासन वहां पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट से संपर्क बनाए हुए हैं ताकि किसी को भी राशन या पानी की कमी ना हो। उधर तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने भी प्रशासन द्वारा केदारनाथ में लगातार राशन पहुंचाने की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा उचित तरीके से लगातार खाद्य पदार्थ, बिजली, पानी सभी मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बाबा केदारनाथ से जल्द पैदल यात्रा नियमित शुरू हो, इसके लिए प्रार्थना की। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। ये केदारनाथ में जो चिनुक से राशन गया है, इस संबंध में सोशल मीडिया पर जितनी भी भ्रांतियां फैलाई जा रही है, उस संबंध में जानकारी जुटाने पर अवगत हुआ है कि चिनुक से जो राशन केदारनाथ गया, वो ITBP के कमांडेंट के द्वारा अपनी फोर्स के लिए भेजा गया है और वो अपनी फोर्स के लिए ही राशन लेके गए हैं। सर्कल मजिस्ट्रेट, मंदिर संबंधित समिति, GMBN या अन्य के द्वारा जो डिमांड की गई थी अब तक, वो पर्याप्त राशन वहाँ पे MI-17 एवं हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचा दी गई है। यदि भविष्य में या आजकल में जितनी भी वहाँ पे आवश्यकता है राशन की, कोई डिमांड आती है, तो डिमांड तत्काल हम मौसम जैसे ही साफ होता है या हेलीकॉप्टर चलेगा, उस समय तत्काल वहाँ पे सप्लाई कर दी जाएगी। ये सोशल मीडिया पे जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, ये सूचनाएं बिल्कुल गलत है और जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पर वहाँ पे जो है, जो जितने भी सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं कि कहीं पे किसी भी राशन की या पानी की कोई कमी ना हो। कल केदारनाथ से तीर्थ पुरोहितों ने, साधु संतों ने, यहाँ पे जो भी सफाई कर्मचारी हैं, जो भी यात्रा से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, उन्होंने सरकार के सामने राशन संबंधित समस्याओं को रखा था और शासन प्रशासन से हमें आश्वासन मिला है कि जल्द ही केदारनाथ में जैसे मौसम साफ होगा, ऐसे चिनुक के द्वारा दूसरे चरण की राशन यहाँ पे भेजी जाएगी, क्योंकि जो 31 तारीख में देवी आपदा आने के कारण यहाँ पे आपदा आई थी और समस्याएं हो गई थी, उसके बीच जो भी राशन नीचे से शासन प्रशासन द्वारा भेजी गई थी और या जो राशन केदारनाथ में थी, वो हमने लगभग सभी लोगों को जिसको जरूरत थी वो राशन बांटी और यहाँ पे जो उसके साथ में हम थे, तमाम सेक्टर मजिस्ट्रेट लोग थे, यहाँ पे SDM साहब थे और सभी लोगों के सामने वो राशन अच्छे से बांट